बीजी के अंदर नया फाइनेंशियल ईयर कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी को लॉगिन करना है। कंपनी ओपन होने के बाद हमारे पास सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे लास्ट पार्ट है चेंज फाइनेंशियल ईयर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इसके ऊपर आपको सिंगल क्लिक करना है। देन आपसे कन्फर्मेशन ले रहे हैं उसको ओके करना है। देन आपके पास एक बटन दिखा रहा है स्टार्ट एंड क्विट। नीचे कुछ चेकबॉक्स हैं उसको क्लिक नहीं करना, आप जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। 1 या 2 मिनट का प्रोसेस लेगा। आपका डाटा नए साल के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, जितना भी आपने काम किया पिछले साल का उनका क्लोजिंग बैलेंस 1/4/2022 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद अगर आप सेपरेट करना चाहते हो वो एक सेपरेट टास्क है। आप जस्ट इसको एक बार फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करिए। क्रिएट होने के बाद सक्सेसफुल मैसेज आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे 53% के नियर बाय आपको दिखा रहा है अपडेट हो चुका है। ये सारे डाटा हमारे पास 403 डेटा थे, 403 मास्टर्स को अपडेट कर रहे हैं, लगभग 250 हो चुके हैं। 1-2 मिनट का प्रोसेस और होगा, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आ गया कि डाटा कन्वर्ट हो चुका है। आप इस पर क्लिक करोगे, ओके करोगे और आपके पास नया डाटा नया फाइनेंशियल ईयर का शो हो जाएगा। आप ट्रांजेक्शन में जाने के बाद सेल चेक करोगे, आपके पास नई डेट स्टार्ट हो जाएगी 1/22। आप 1/22 के लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इसके बावजूद आपको पिछले साल में जाने की जरूरत पड़ रही है तो आप वहीं पे जाओगे चेंज फाइनेंशियल ईयर में, वहाँ पे 1/4 क्लिक करोगे या फिर F11 प्रेस कर सकते हो। आप पुराने साल में चले जाओगे। पुराने साल में जाने के बाद अगर आपने उस साल के अंदर कोई एंट्री वगैरह की है तो नए साल में जाने के बाद आपके पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा न्यू ईयर फ्रॉम 1/23। इस पर क्लिक ना करते हुए हमें जस्ट 1/22 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कन्फर्मेशन आते हैं, येस और नो। इसका मतलब है कि जो डाटा आपने चेंजेस किया है वो आगे चला जाए, उसको येस करेंगे। ऑल मास्टर करेंगे तो जितना काम किया वो सारा टाइम दोबारा लेगा। न्यू एंड चेंज मास्टर पे ही क्लिक करना है हमेशा, थोड़ा सा जल्दी होता है। नए साल में दोबारा आप कन्वर्ट हो जाओगे। अब हम करंट में 2021 में हैं, तो इसके बाद हम 2022 में क्लिक करने से आ जाएंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हम नए साल में चलेंगे। यही है सिंपल सा प्रोसेस है, इसको यूज़ करके आप नए साल में जा सकते हैं।